अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को अस्तर की कुर्ती की कटिंग बताऊंगी। देखिए, ये हमारा कुर्ती का कपड़ा है और ये 4 मीटर, इसके अंदर सलवार का कपड़ा और कुर्ती का अस्तर दोनों भी है। तो सबसे पहले हम कुर्ती का साइज देख लेंगे। कुर्ती का साइज है 39 इंच एंड हाफ। और जब भी हम कुर्ती का साइज देखते हैं तो उसमें कपड़े को बिछाने के लिए सबसे पहले हम दामन देखते हैं, जो कि इसका दामन है देखिए 20 इंच। तो जब भी हम कुर्ती का कपड़ा बिछाते हैं तो सबसे पहले दामन का साइज देखेंगे, क्योंकि इसी के हाफ करते हुए हमें कुर्ती के कपड़े को लेना है। तो हम सिली हुई कुर्ती का दामन है 20 इंच, तो 20 का आधा होता है 10 इंच। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये देखिए हमने 2 फोल्ड कपड़ा लिया हुआ है, यानी 2 पदर। तो इसे हम 10 इंच लेंगे, लेकिन 1 इंच इसका मार्जिन भी लेंगे चौक सीने का। तो 11 इंच का कपड़ा हम इसमें बिछाएंगे। देखिए, इस तरह हम 11.5 इंच हमने ले लिया है। अब पहले हम इतना कपड़ा कट कर लेंगे पूरे कपड़े में से, यानी कि 4 मीटर कपड़े में से हम दामन का साइज लेते हुए, दामन हमारा 20 इंच है, 20 का आधा 10, और हम 1 इंच मार्जिन लेंगे। तो इस तरह हम 11 इंच का कपड़ा कट करेंगे, लेकिन इसमें मैंने 11.5 इंच लिया है। अब हम ये कपड़े को कट कर लेंगे, इतना कपड़ा हम अलग कर लेंगे अस्तर में से। देखिए, अब ये हम इसमें आस्तीन और सलवार बाद में बताएंगे। अब ये हमारा कुर्ती के साइज के हिसाब से 11.5 इंच कपड़ा हमने कट कर लिया, 11 इंच भी कट कर सकते हैं। अब इसमें लंबाई है कुर्ती की 39.5 इंच। देखिए, इसकी लंबाई है कुर्ती की, ऊपर से हमने टेप रख के लेना है 41 इंचेस। तो कुर्ती की लंबाई हमने 41 इंच ले ली है। तो इसी तरह हम कुर्ती का पूरा साइज ले लेंगे। देखिए, कुर्ती के शोल्डर लेंगे हम, शोल्डर है इसका रेडी 11 इंचेस। आर्महोल है इसका, इस तरह हम टेप को खड़ी रखते हुए इसके कॉर्नर से देखेंगे, 6 इंच। और इसका चेस्ट है, इस कोने से इस कोने में देखेंगे हम इस तरह, देखिए 17.5 इंच। और इसकी कमर की चौड़ाई है 15.5 इंच। तो इस तरह हम कुर्ती का साइज ले लेंगे। अब देखिए, 41 इंच लंबाई है, तो हम लंबाई का साइज इस तरह टेप को रखते हुए, सबसे ऊपर मैंने टेप को इस तरह रखा हुआ है, और 41 इंच अस्तर में निशान लगा लेंगे। 41 इंच के पास हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। देखिए, इस तरह हमने 41 इंच पर एक निशान ले लिया है। ये हमारी लंबाई हो चुकी है। अब हम सबसे ऊपर शोल्डर का निशान लेंगे। शोल्डर हमारा 11 इंच रेडी है, लेकिन हम मार्जिन लेते हुए 12 इंच लेंगे, यानी कि 1/2 इंच मार्जिन लेंगे। सॉरी, 12 का हाफ 6 होता है, 11 का हाफ 5.5। तो 5.5 हमने ले लिया है, और 1/2 इंच हमने मार्जिन लेनी है। तो इस तरह हम 6 इंच शोल्डर ले चुके हैं। अब हम 6 इंच आर्महोल लेंगे। तो टेप को लंबाई के तरीके से रखते हुए इस तरह 6 इंच ले लेंगे। चेस्ट हमारा 17.5 इंच है, तो 17.5 का जब हम आधा करते हैं तो ये इस तरह टेप को आधा करके भी आप देख सकते हैं, 2.9 इंचेस आता है। देखिए, यहाँ पर 9 इंच में 2 पॉइंट कम है, तो हमें यहाँ पर 2.9 इंचेस लेना है इस तरह। और यहाँ पर हम मार्जिन भी लगा देंगे साथ ही में, आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं या 2 इंच भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 इंचेस ले रही हूँ। अब हम कमर की लंबाई लेंगे। कमर की लंबाई है हमारी 13 इंच। तो देखिए, लंबाई के पास हम शोल्डर के पास से टेप रखेंगे और 13 इंच पर एक निशान लेंगे। 13 इंच पर लंबाई का निशान लेंगे कमर की, और कमर की चौड़ाई है 15.5। तो 15.5 का भी हम आधा कर देंगे तो आता है 7.25 इंच, यानी कि 2 पॉइंट कम 8 इंचेस। तो उसे भी हम इस तरह ले लेंगे और 2 इंच मार्जिन लेंगे। और बाहर के निशान से बाहर के निशान को, अंदर के निशान से अंदर के निशान को मिलाएंगे।
तो ये हमारा कमर के पास का हिस्सा हो चुका है। अब हम दोबारा शोल्डर के पास टेप रखेंगे और हिप की लंबाई लेंगे। हिप की लंबाई हमारी 19 इंचेस 1 इंच, तो इस तरह हम 19 इंचेस पर टेप के पास, शोल्डर के पास टेप रखते हुए 19 इंचेस पर निशान ले लेंगे और चौड़ाई लेंगे हम। चौड़ाई भी हमारी है 19 इंचेस 1 इंच, तो 19 का हाफ करने पर 9.5 आता है, 9.5 इंच। लेकिन यहाँ पर देखिए हम 1 इंच मार्जिन लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर चौक सिलाई करनी है यहाँ से, इसके लिए हम यहाँ पर ज़्यादा मार्जिन नहीं लगाएंगे बल्कि सिर्फ 1 इंच मार्जिन लगाएंगे। ऊपर हमें अगर फिटिंग हो जाए ड्रेस तो खोलकर, सिलाई खोलकर पहनना रहता है, इसके लिए हम ज़्यादा मार्जिन लेते हैं। लेकिन यहाँ पर चौक की सिलाई करनी होती है इसके लिए हम यहाँ कम मार्जिन लेते हैं। अब हम यहाँ पर 1 इंच का कॉर्नर पर टेप रखेंगे और इसे राउंड शेप देंगे। देखिए इस तरह हमारा ये ऊपर का शेप हो चुका है। अब हम जहाँ पर लास्ट निशान डाले थे वहाँ पर दामन का हिस्सा लेंगे। दामन हमारा 20 इंचेस है, बॉटम 20 का हाफ 10 इंच और 1 इंच मार्जिन, तो इस तरह हमने 11 इंच ले लिया है। अब हम ऊपर से मिला लेंगे हिप के पास से, हिप के पास से इसे मिला लेंगे। तो इस तरह हमारा ये कुर्ती का डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे कट करेंगे। देखिए शोल्डर के पास से मैं इसकी कट कर रही हूँ। इसे बाहर बाहर का जो भी हमारा निशान है हम इसे कट कर देंगे। अब हम इसमें कट लगाएंगे। ये हिप का कट है, ये कमर का शेप देने का कट है और ये चेस्ट के पास का कट है। तो इस तरह हमने कट लगा लिया है और नीचे लंबाई के पास भी हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरह हमारा ये अस्तर कट हो चुका है। अब हम इस कुर्ती को लेंगे और सामने का हिस्सा पहले कट करेंगे। देखिए ये जो गले की पट्टी लगी हुई है ये फ्रंट का हिस्सा है, तो हम इसे बीच सेंटर में देखते हुए मिला लेंगे। देखिए इस तरह हमने इस वर्क को बीच में सेंटर में करते हुए बिछा लिया है। अब हम इस पर अस्तर रख लेंगे, अच्छे से हम इसे बिछा लेंगे। और इसे सेम इसी तरह कट कर लेंगे जिस तरह हमने अस्तर को कट किया था, बिल्कुल उसी तरह हम इसे। देखिए ये हमारा फ्रंट का हिस्सा कट हो चुका है, यानी सामने का हिस्सा हमारा ये कट हो चुका है। अब हम बैक साइड का हिस्सा बताएंगे। इस बैक साइड के कपड़े को भी हम इसका डिजाइन देखते हुए बिछाएंगे और जिस तरह हमने अस्तर का कपड़ा बिछाया था बिल्कुल उसी तरह दामन को मापते हुए बिछाएंगे क्योंकि हमें इसमें से आस्तीन भी कट करनी है। तो हम इसे 11 इंच इस तरह फोल्ड कर लेंगे, टेप से मापते हुए 11 इंच लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने इसे टेप से मापते हुए 11.5 इंच ले लिया है क्योंकि यहाँ किनारा है तो इस किनारे को हमें हटा देना है कटिंग करके, तो ये 11.5 इंच ले लिया है हमने। अब हम इस पर बिल्कुल इसी तरह अस्तर बिछा लेंगे जिस तरह हमने फ्रंट का कट किया था, उसी तरह हम इसे भी कट करेंगे। और नीचे हम कभी भी 2 इंच बढ़कर लेंगे, नीचे 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम यहाँ पर। देखिए ये जो कपड़ा हमारा बचा हुआ है इसमें हमारे आस्तीन निकलेंगे। अब हम इस कुर्ती को भी सेम कट कर लेंगे फ्रंट की कुर्ती की तरह। देखिए सेम हमने इस तरह कट कर लिया है और नीचे की तरफ हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। फ्रंट की कुर्ती में भी, फ्रंट के हिस्से में भी हमने इसी तरह बढ़कर रखा हुआ है। अब हम आस्तीन कट करेंगे।
देखिए आस्तीन कट करने के लिए हम इसके प्रिंट्स को ध्यान देंगे। इसका जो प्रिंट है ये देखिए, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम इसे इस तरह पलटी अगर करेंगे तो एक प्रिंट हमारा इस तरफ जाएगा। इसके लिए पहले हम इसे कपड़े को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। यानी देखिए जितनी आस्तीन की लंबाई है पहले उतना हिस्सा हम माया लेते हुए निकाल लेंगे। देखिए आस्तीन की लंबाई है 20 इंचेस, तो 20 में हम 1.5 इंच लेते हुए 21.5 इंच का पहले इतना कपड़ा कट कर लेंगे। देखिए इसके प्रिंट की वजह से हमें पहले इसे कट करना पड़ रहा है। प्रिंट अगर नया डिजाइन सिंपल होता तो हम इसे नहीं कट करते थे। देखिए अब जब हमने ये कपड़ा कट किया है, इसी को इसके ऊपर इस तरह रखते हुए डिजाइन को ध्यान देते हुए दूसरा कपड़ा भी हम कट कर लेंगे। इस तरह हमने इस कपड़े को भी कट कर लिया है डिजाइन को ध्यान देते हुए। अब पहले हम अस्तर में कट करेंगे हाफ आस्तीन। तो ये अब हमारा जो बचा हुआ कपड़ा है सूट कट करने के बाद, कुर्ती कट करने के बाद, इसमें से हम एक हिस्सा यानी कि एक पल्ला इस तरह लेते हुए हम हाफ आस्तीन के साइज के अकॉर्डिंग इसे कट करेंगे। देखिए ये एक पदर है, इसे हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम और एक बार इसे फोल्ड करेंगे यानी 4 फोल्ड बना लेंगे। 4 फोल्ड बनाने के बाद हम इसे देखिए 8 इंच का कपड़ा हम इसमें से कट कर लेंगे हाफ आस्तीन के लिए, क्योंकि सीकर जाकर हमारे आस्तीन 6.5 इंच आएंगे। 1.5 इंच मार्जिन लेते हुए हमने 8 इंच लेना है। इतना कपड़ा हमने निकाल लिया है, अब इसमें हम हाफ आस्तीन डालेंगे। तो ये लंबाई हमारी 8 इंच है टोटल, यानी कि 6.5 इंच रेडी आना है और 1.5 इंच इसमें मार्जिंग है। देखिए इस तरह ये 8 इंच है। देखिए अब हम कट आस्तीन मापेंगे, यानी कि ये जो बगल हमने कट किया हुआ है इसे इस तरह राउंड करते हुए माप लेंगे। देखिए ये 10 इंच है, तो हमें एक निशान 3 इंच पर लेना है, एक निशान ले लेना है 3 इंच पर, और इसके ऊपर क्रॉस रखते हुए 10 इंच लेना है। टेप को क्रॉस रखते हुए हम इस पर 10 इंच का निशान लेंगे। देखिए लंबाई का निशान हो गया 8 इंच, यहां से 3 इंच का निशान हमने लिया है। अब हम इसी निशान पर 10 इंच का टेप क्रॉस रखते हुए इस तरह ले लेंगे। अब देखिए ये 10 इंच हमारा कट बगल हो गया है और आस्तीन की चौड़ाई हमारी नीचे 5 इंच रेडी है। इसमें हम 1.5 इंच मारिया मिलाएंगे और इसे इस तरह मिला लेंगे। और जो हमने 10 इंच यहाँ पर लिया हुआ है इसका आधा 5 इंच, 5 इंच तक हम थोड़ा ऊपर की तरफ राउंड शेप रखेंगे, उसके बाद नीचे की तरफ इस तरह। अब हम हाफ आस्तीन कट करेंगे। देखिए हमारा ये हाफ आस्तीन कट हो चुका है। अब हम यहाँ सेंटर में कट लगाएंगे। तो ये अब हमारे हाफ आस्तीन को हम इसमें रखेंगे और इस पर रखते हुए कटिंग करेंगे। लेकिन ये देखिए हमें नीचे प्लास्टिक लगाकर चून वाले आस्तीन लेना है, यानी कि आजकल जो डिजाइन चल रहा है प्लास्टिक लगाकर, तो हम इसमें पूरी टोटल चौड़ाई रख देंगे। ऊपर से हम शेप में कट करेंगे आस्तीन को जिस तरह हमने अस्तर कट किया हुआ है, लेकिन नीचे से हम इस तरह इसे बढ़कर लीजिए। देखिए इस तरह जिस तरह हमारा थोड़ा सा बेल आस्तीन का शेप आता है, तो ये पूरी चौड़ाई हमने ले ली है। देखिए इसे मैं माप कर बता रही हूँ ये चौड़ाई कितनी है। देखिए 9 इंचेस है, ये 9 इंच की चौड़ाई आई है। जब हम इसमें अंदर प्लास्टिक डालकर ये चून बनाएंगे तो ये डिजाइनर आस्तीन हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह हमारा आस्तीन भी कट हो चुका है। अब हम नेक की कटिंग बताएंगे। देखिए ये हम अस्तर को अलग अलग कर लेंगे, पीछे का अलग और सामने का अलग कर लेंगे। तो इस तरह मैं इसे 2 हिस्सों में हटा ले रही हूँ, अलग अलग कर रही हूँ। ये हमारा बैक साइड का हिस्सा है, तो हम इसके ऊपर इस तरह ये रखते हुए
इसी के ऊपर ये रख लेंगे। और आप चाहे तो पेपर स्टिक पर भी गले कट कर सकते हैं, लेकिन मैं इस पे कपड़े पर ही गले कट करने का तरीका बता रही हूँ। देखिए गले की चौड़ाई है 2.5 इंचेस, ये हमने सूट से माप कर ली हुई है। गले की चौड़ाई 2.5 इंचेस यहां से लेंगे हम फोल्ड कपड़े के साइड से। और इसके बाद गला पीछे का है 5 इंचेस और गले की चौड़ाई नीचे भी 2.5 इंचेस लेते हुए इसमें 1/2 इंच का इस तरह निशान लेंगे और इसे राउंड बनाएंगे। अब देखिए इसे मैं राउंड कट कर रही हूँ। ये बैक साइड का नेक है, ये हमारा बैक साइड का नेक कट हो चुका है। अब हम फ्रंट साइड का नेक कट करेंगे। ये फ्रंट साइड की हमारी फ्रंट साइड की कुर्ती को भी हम इस तरह रखते हुए अस्तर इसके ऊपर रख लेंगे और चौड़ाई हमारी सेम होती है 2.5 इंच आगे पीछे दोनों की, सिर्फ लंबाई में फर्क होता है। तो देखिए अब चौड़ाई हम 2.5 इंचेस ले रहे हैं, इस तरह 2.5 इंचेस चौड़ाई हो गई और 6 इंचेस हमारी फ्रंट की लंबाई है। नीचे भी हम 2.5 लेकर बॉक्स बना लेंगे। अब हम इसमें स्क्वायर नेक में थोड़ा सा डिजाइन लेते हुए कट करेंगे। तो 4 इंच तक मैं पहले स्क्वायर कट करूंगी, सॉरी 4.5 इंच तक। इसके बाद हम यहाँ पर नोक का शेप दे देंगे। तो देखिए इस तरह हम 4.5 इंच तक एक बॉक्स पहले कट कर लेंगे। इस तरह स्क्वायर में हमारा ये कट हो चुका है। अब हम इसमें यहाँ पर इस तरह ट्रायंगल शेप में 1 इंच कट करेंगे। और देखिए इसमें फ्रंट के नेक में हमें आर्महोल में झोल नहीं आना चाहिए, इसके लिए यहाँ पर 1 इंच का इस तरह शेप रखते हुए इसे ऊपर की तरफ मिलाएंगे और इसे माया नहीं कट करेंगे बल्कि माए के पास तक ही हम इसे मिलाएंगे और इसे इस तरह शेप निकालेंगे ताकि हमारा आर्महोल में झोल ना आए। तो ये सिर्फ फ्रंट के हिस्से में हमें इतना कपड़ा निकालना है, बैक साइड में हमें ये कपड़ा बिल्कुल भी नहीं निकालना है। तो ये हमारे गले भी कट हो चुके हैं। अब हम इसमें इसकी पट्टी कट करेंगे, लेकिन पट्टी कट करने से पहले हम इसकी बॉटम कट कर लेंगे। देखिए हमने इसे बचे हुए कपड़े को पूरा खोल दिया है, इसे किनारे से किनारा मिलाएंगे और किनारे से किनारा मिलाते हुए हम इसे अपनी तरफ खुला कपड़ा रख लेंगे क्योंकि हम इसमें पैंट कट कर रहे हैं। अब देखिए इस तरह हम टू फोल्ड कपड़े को पूरा बिछा लेंगे। देखिए हमने कपड़े को अच्छे से बिछा लिया है। अब इसमें हम लंबाई लेंगे ऊपर की तरफ बराबर में टेप रखेंगे हम कपड़े के पास। बॉटम की लंबाई 38 इंच रेडी है तो हम इसमें 4 इंच मिला के 42 इंचेस लेंगे। तो 42 इंच पर हम एक निशान बना लेंगे इस तरह 42 इंचेस का। अब इसके बाद हम सबसे ऊपर चौड़ाई लेंगे, यानी कि ऊपर की जो हमारी हिप की चौड़ाई होती है उसको लेंगे हम। तो ये माया मिलाकर यानी कि यहाँ पर जो हमारा किनारा है इसे मिलाते हुए हम 12 इंचेस लेंगे। ये हमारी हो गई बॉटम की चौड़ाई, हिप की चौड़ाई, सॉरी बॉटम बोल रही हूँ, हिप की चौड़ाई। इसके बाद हम इसका आसन लेंगे यानी कि किस्तक। तो यहाँ से टेप लगाते हुए हम इसका किस्तक लेंगे। इसका जो किस्तक है वो 15 इंचेस रेडी है तो इसमें हम मार्जिन मिलाते हुए 2 इंचेस 17 ले लेंगे, 15 में 2 मिलाकर 17 इंच लेंगे। तो ये हमारा किस्तक यानी आसन हो गया। अब हम यहाँ की चौड़ाई देखिए, ये भी 12 इंचेस है लेकिन हम 3 इंचेस एक्स्ट्रा लेंगे यानी कि यहाँ पर हम 15 इंचेस लेंगे, ये हम 15 इंचेस लेंगे। तो और इसके बाद हम यहाँ पर 1 इंच का टेप रखते हुए इसे राउंड देंगे, राउंड बनाएंगे। ये इस तरह राउंड बन चुका है। अब हम नीचे बॉटम का साइज देखेंगे। देखिए बॉटम के पास
हमने ऊपर 12 इंचेस का निशान लिया था, तो पहले 12 इंचेस का निशान यहाँ भी ले लेंगे हम। इसका आधा होता है 6 इंच, 12 का हाफ 6 इंच पर भी एक निशान लेंगे। देखिए टोटल हमने 12 लिया है बॉटम में, उसका हाफ 6 इंच पर निशान लगाया है यहाँ पर 6 इंच पर। इसके बाद हम 6 इंच के निशान के पास से 3 इंच इधर लगाएंगे और 3 इंच इधर लगाएंगे, यानी सेंटर में हमारा 6 इंच का बॉटम आना है। अब इसके बाद राउंड स्केल लेंगे हम। राउंड स्केल लेते हुए हम तीन इंच से मिला लेंगे इसे। देखिए दोनों तरफ भी हमें इसे मिला लेना है। इस तरह हमारा ये फ्रंट का बॉटम फ्रंट का हिस्सा कट हो चुका है, ये सॉरी डायग्राम डाल चुके हैं। अब हम इसे कट करेंगे। देखिए ये हमारा इस तरह फ्रंट का हिस्सा कट हो चुका है, ऊपर भी हम बराबर में कट कर लेंगे इसे। अब हम बचे हुए कपड़े को बिछा लेंगे दोबारा टू फोल्ड करते हुए। देखिए जो हमारा ये बचा हुआ कपड़ा है इसे भी हम अच्छे से बिछा लेंगे। ये ओपन कपड़ा ही हम अपने साइड रखेंगे। देखिए हमने इस तरह ये जो हमारा ये ट्राउजर है इसे हम ट्राउजर भी बोलते हैं, इस बॉटम को पूना पैंट भी बोलते हैं, तो इसे हमने इसके ऊपर बिछा लिया है। अब हम इसमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फ्रंट के हिस्से से, यानी जो हमने आसन कट किया हुआ था वहां से 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो देखिए इस तरह मैं 2-2 इंच का निशान बढ़कर ले रही हूँ मिलाने के लिए इसे। देखिए हर जगह 2-2 इंच का निशान इस तरह हमें बढ़कर लेना है और इसे इस तरह बाहर की तरफ राउंड कर लेना है। नीचे पे भी मैं 2 इंच का बॉटम बढ़कर ले रही हूँ। इसी तरह हम पूरा नीचे तक 2-2 इंच बढ़कर लगाएंगे फ्रंट के हिस्से में, पूरा बॉटम तक हम 2-2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। और इस साइड में हम बढ़कर नहीं लेंगे बल्कि सेम लगाएंगे निशान। तो इस तरह फ्रंट का जो हमने हिस्सा कट किया हुआ था उसे रखते हुए 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब मैं इसे कट करूंगी। देखिए इस तरह हमारा ये 2-2 इंच एक्स्ट्रा है और इस साइड हम सेम कट करेंगे, इसे एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे। देखिए इस तरह हमारा ये ट्राउजर कट हो चुका है। अब हमने 4 इंच मार्जिन ली हुई थी तो यहाँ पर 2 इंच पर लास्टिक डालना है, इसे भी हम कट करेंगे, कट का निशान लगाएंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ पर हमें लास्टिक आनी है। और नीचे की तरफ पे भी बॉटम में हमें यहाँ पर 2 इंच का निशान लेना है क्योंकि हमें यहाँ पर भी मोड़कर सिलाई करनी है, 2 इंच का बॉटम हमें बनाना है, तो यहाँ पर भी हम कट का निशान ले लेंगे। ये इतना हमारा यहाँ फोल्ड करने में जाएगा और ऊपर इतना लास्टिक में, तो जब जाकर हमारी ये जो ट्राउजर है ये 38 इंच आएंगी। तो इस तरह हमारा ये ट्राउजर का पूरा हो चुका है। अब बचे हुए कपड़े में हम गले, इस बचे हुए कपड़े में हम गले की पट्टी कट करेंगे। देखिए अब इस बचे हुए कपड़े में हम गले कट करेंगे। ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसके अंदर हम यहाँ से इस तरह
फोल्ड कर लेंगे 4 से 5 इंच। और देखिए इस फोल्ड कपड़े के ऊपर ये जो हमारा बैक साइड का नेक हमने कट किया था इसे हम कट करेंगे, सेम इसी की तरह से राउंड कट करेंगे। देखिए ऊपर से भी हमें कट करना है और साइड से भी। इसके बाद हम इसे हटाते हुए एक एक इंच का चौड़ाई रखते हुए कट करेंगे। तो ये इसे इस तरह हमारी ये पट्टी हो चुकी है, ये थोड़ी चौड़ी हो गई है, इसे हम थोड़ा सा कम कर लेंगे। देखिए इस तरह हमारी ये पट्टी हो गई है, इसके अंदर हम बकरम डालकर लगाएंगे। ये हमारी बैक साइड का पेट नेक हो चुका है। अब हम इस बचे हुए कपड़े में फ्रंट साइड का भी नेक कट करेंगे, इसे भी हम थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे और इस फ्रंट के हिस्से को इस पर रखते हुए जैसा ये सेम है उसी तरह हम सेम कट करेंगे। ऊपर का भी हम बराबर में रखेंगे कपड़ा। देखिए अब इसे हटाते हुए हम एक एक इंच की मार्जिन देते हुए इसे कट करेंगे। तो ये हमारी बैक साइड की फ्रंट साइड की पट्टी हो चुकी है। अब देखिए हमने इसे पेपर स्टिक देना है, पेपर स्टिक को इस तरह फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके इसी पट्टी को हम इस तरह कट करेंगे जैसा ये हमारा डायग्राम है उसी तरह बिल्कुल हम इस पेपर स्टिक को भी रखेंगे। देखिए ये हमारा पेपर स्टिक का भी नेक कट हो चुका है। अब इसे हम इसमें रखते हुए आयरन कर लेंगे, यानी कि इसमें रखते हुए इसे चिपका लेंगे, चिपका कर इसे फोल्ड कर सिलाई करें। इसी तरह हम बैक साइड का भी नेक कट कर लेंगे बचे हुए पेपर स्टिक में। देखिए हमने बैक साइड का भी नेक कट कर लिया है। देखिए इस तरह हमारी ये अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये फ्रंट का हिस्सा, ये हमारा बैक साइड का हिस्सा है और ये आस्तीन है और इसी में हमने ये ट्राउजर की भी कटिंग बता दी है। तो इस तरह आप घर में अपने सूट को कट कर सकते हैं साइज लेते हुए। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।